चीजें आपको समझ में आ गई होगी जो अब तक हमने पढ़ा। पहला सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस मतलब सारे पॉसिबल आउटकम। दूसरा हमने पढ़ा इवेंट, इवेंट का मतलब जो फेवरेबल आउटकम का सेट होता है या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सब सेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो पीई से डिनोट करते हैं ना, पीई इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ये बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनी बटा एनएस, यानी प्रोबेबिलिटी का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है एनी बटा एनएस, जहां पे वेयर एनई जो होता है नंबर ऑफ इवेंट के नंबर्स, यानी टोटल इवेंट कितने हैं। एनएस जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो मैंने सैंपल स्पेस बताया था उसके नंबर्स को एनई एनएस से दिखाते हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या फिर जिसको आप 10th में पढ़ते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम, यानी जो हमको चाहिए, डिवाइडेड बटा टोटल पॉसिबल आउटकम। है वही चीज, बट इसको हमने यहाँ पे एनी बटा एनएस से दिखा दिया, है ना। फेवरेबल आउटकम को ही इवेंट बोलते हैं, एनी बोलते हैं, और टोटल पॉसिबल आउटकम को क्या बोलते हैं, एनएस, यानी सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो बेसिकली है वही चीज, बस दिखाने का तरीका चेंज हो गया, एनी बटा एनएस। अब ये जो प्रोबेबिलिटी होता है ना मेरा लाल, ये 0 से बड़ा या बराबर होता है, 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। यानी किसी भी इवेंट का, दुनिया का कोई भी इवेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। यानी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होता है, 1 से ज्यादा कभी किसी की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है ना। जब ये 0 होता है, यानी जब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब है कि वो इवेंट होगा ही नहीं, यानी इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो होगा ही नहीं। अगर यही पीई 1 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब होता है श्योर इवेंट, यानी श्योर इवेंट का मतलब जो इवेंट होना ही होना है। तो दो तरह का बेसिकली इवेंट होता है, एक होता है पीई बराबर 0 यानी इम्पॉसिबल इवेंट, दूसरा पीई अगर 1 हो जाए तो श्योर इवेंट, और इन दोनों के बीच में रहेगा तो संभावना है, 50% संभावना है, 30% है, 40% है, इसका मतलब 0% है, इसका मतलब 100%, यानी 100% श्योर है कि वो काम होगा। अब इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी रहता है तो उसका मतलब उतना परसेंट उसका चांस है, 30, 40, 60, 50 जो भी। तो यही बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता है। अब एक चीज होता है प्रोबेबिलिटी ई नॉट को ई बार से दिखाता है ना, प्रोबेबिलिटी नहीं होने की संभावना। नहीं होने की संभावना क्या होता है, 1 माइनस पी, यानी होने की संभावना को 1 से माइनस कर देंगे तो नहीं होने की संभावना निकल जाती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट 1 माइनस पी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी की प्रोबेबिलिटी होने की संभावना है, जैसे मान लो कि हमने एक डाई फेंका, सैंपल स्पेस हो गया 6, और हमको चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, 3/6, कट के कितना आया, 1/2। अब ये 1/2 मेरा क्या हो गया, चांसेस ऑफ हैविंग इवन नंबर। अब हमको इवन नंबर नहीं चाहिए, यानी ई नॉट नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस 1/2, यानी 1 माइनस 1/2 करेंगे तो इसका भी आंसर 1/2 होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ई नॉट। तो ये प्रोबेबिलिटी का बेसिकली फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी बराबर एनी बटा एनएस, ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, इसी पे प्रोबेबिलिटी बेसिकली डिपेंड करता है ना। चलो, तो प्रोबेबिलिटी जो हमने भी सीखा है फॉर्मूला, उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये फाउंडेशन की बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 178, एक्सरसाइज 5B है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का बेसिकली। तो इस क्वेश्चन के बारे में जब बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कार्ड से रिलेटेड है ना। बोला ए कार्ड इज ड्रोन एट रैंडम, एक कार्ड निकाला गया फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी 52 पत्ती का जो एक बंडल है उसमें से एक कार्ड निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, इन सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले है द कार्ड मे बी क्वीन। अब सबसे पहले हम जानते हैं एनएस कितना होगा, 52, तो सबसे पहले हम एनएस लिख के रखें, एनएस मतलब सैंपल स्पेस। अब 52 पत्ती है, एक निकाला है तो टोटल 52 पत्ती निकल सकता है, तो सैंपल स्पेस 52 हो गया।
अब उसको चाहिए क्वीन। तो बाबू मेरा, मैंने भी पढ़ाया था इसी वीडियो में, हमने देखा कि 52 टोटल क्वीन कितनी होती है, 52 पत्ती में 4 क्वीन होती है। किंग किसकी किसकी क्वीन होती है चार, तो एक होती है स्पेड्स की, क्लब की, फिर हार्ट की और डायमंड की, 4 क्वीन होती है। तो 4 क्वीन होती है, यानी 4 फेवरेबल हो गया मेरा, और ये क्या हो गया, ऑल पॉसिबल, यानी 4/52 पेंसिल काट देंगे उसको, 4/52 पेंसिल। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब बोला इट मे बी ब्लैक और क्वीन, ब्लैक और क्वीन। अब ब्लैक कार्ड कितना होता है, 26, क्वीन कितनी होती है, 4, 26 ब्लैक कार्ड, क्वीन 4। लेकिन ब्लैक कार्ड में 2 ब्लैक क्वीन भी तो है ना, तो 26 ठो जो हमने ब्लैक कार्ड लिया उसमें 2 ठो ब्लैक क्वीन भी आ गई, तो सिर्फ क्वीन अब के ठो बची मेरे पास, 2 क्वीन बची, 2 यानी 2 रेड की, 26 ब्लैक में 2 क्वीन ऑलरेडी है ब्लैक वाली, तो अभी तो मेरे पास रेड ही क्वीन अलग एक्स्ट्रा बची जो 2 है, तो 26 और 2 कितना हो गया, 28, यानी टोटल हो जाएगा 28/52 मेरा आंसर हो गया ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इट मे बी रेड, रेड मतलब लाल, लाल कितना होता है जी, 26, आ क्वीन, एक क्वीन और अ किंग। अब देखो समझो, टोटल मेरे पास जो रेड है, रेड केट होता है जी 52 होता है, सॉरी रेड केट होता है 26 होता है ना, क्वीन केट होती है 4 होता है, किंग केट होता है 4 होता है, चेक टोटल। अब रेड वाला जो है मेरे पास, उसमें भी तो 2 ठो क्वीन और 2 ठो किंग आ गया, तो रेड वाला 2 क्वीन, इसमें से अब के ठो क्वीन बच गई, सिर्फ 2 ठो क्वीन बच गई ब्लैक वाली, इसमें से के ठो किंग बच गया, 2 ही ठो बच गया, तो 26 2 28 और 2 कितना हो गया 30, यानी टोटल 30/52। ऐसा नहीं कि इसको 26 इसको 4 ले लेंगे, क्योंकि इस 26 में 2 क्वीन ऑलरेडी रेड वाली है और 2 क्वीन किंग भी रेड वाला है, तो 2 ही बचा, तो 26 2 28 और 2 30। अब आते हैं हर्ट और एस, हर्ट केट होता है जी, तो हर्ट होता है 13, एस केट होता है तो एस होता है 4। अब हर्ट में भी एक एस होता है, हर्ट में एक ही एस होता है, तो इसमें से एक ठो निकल गया, एक ठो निकल गया, तो केट बचा 3। अब ये 13 और 3 कितना हो गया, 16, यानी टोटल हो गया 16/52। अब इसमें क्या बोला, इट इज अ रेड 8 और रेड 10, रेड 8 आठवां नंबर रेड में, तो रेड तो 2 तरह का कार्ड होता है, कौन कौन होता है, हार्ट और डायमंड, तो 8 भी 2 होगा, एक तो रेड का, एक तो हार्ट का और एक तो डायमंड का, यानी 2 हो गया, और रेड 10 तो 10 भी 2 होगा किसका, एक हार्ट का और एक डायमंड का, तो 2 2 4 4 मतलब 4/52 आंसर। इट इज नॉट अ स्पेड, यानी स्पेड को छोड़ के बाकी कोई भी कार्ड हो सकता है, नॉट अ स्पेड मतलब स्पेड को छोड़ के कोई भी कार्ड हो सकता है। अब स्पेड को जब तुम छोड़ दोगे, टोटल 52 पत्ती होता है, ठीक है, तो 52 पत्ती में आपने क्या किया कि स्पेड यानी 13 ठो को छोड़ दिया, तो 13 ठो को छोड़ दिया 52 में, तो अभी आपके पास कितना बचा, 26 ठो बच गया किसका, 13 ठो बच गया हार्ट, 13 ठो बच गया डायमंड, 13 दूनी 26 हो गया, और 13 ठो आपके पास कौन बच गया जी, 13 ठो आपके पास बच गया क्लब, तो 13 13 13 कितना हो गया, 39/52 तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है कार्ड से रिलेटेड, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी आता है, 10th में भी आता है, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, 12th में तो नहीं, 11th में, फिर डिप्लोमा में, सब में, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना। ये एक और क्वेश्चन है उसी बुक का, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 डाइज आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाई को एक साथ फेंका गया है, बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, डाई प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका अगर 2 डाई को फेंकेंगे, ये क्वेश्चन है इसमें। तो बेसिकली सबसे पहले जो हम देखेंगे वो NS, 2 डाई को फेंकते हैं तो 36 आता है सैंपल स्पेस, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि 2 डाई को फेंकने पे 36 सैंपल स्पेस आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट अपीयरिंग ऑन बोथ ऑफ द मेज 7, यानी दोनों डाई पे, एक डाई 2 डाई, दोनों डाई को जोड़ के 7 आना चाहिए। अब दोनों डाई को जोड़ के 7 कब कब आएगा, सबसे पहले इसका हम लोग इवेंट लिख रहे हैं, ठीक है, इवेंट क्या क्या होगा, 7 कैसे कैसे आता है, 1 और 6, यानी पहले डाई पे 1 आया, दूसरे डाई पे 6 आया, तो 1 और 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो अगर 1 और 6 7 है, तो 6 और 1 भी तो 7 होगा, यानी पहले डाई पे 6 आया, दूसरे डाई पे 1 है,
इसी तरह से 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 आएगा, या 5 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा। और कैसे 7 आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा, और 4 और 3 को भी जोड़ देंगे तो 7 आएगा। यानी टोटल मेरे पास जो इवेंट है वो 1 2 3 4 5 6, और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है जी, एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस, एनी है 6, एनएस है 36, 6/36 1/6 मेरा सैंपल स्पेस हो गया, इसका आंसर हो गया। दूसरा है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट अपीयरिंग ऑन बोथ ऑफ देम इज 12, यानी दोनों पे जो डिजिट है उसका प्रोडक्ट 12 होना चाहिए, प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई करने पे कैसे कैसे आएगा, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, तो 4 और 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से तो ये टोटल जो है कितना आ गया इसका इवेंट की, तो इसमें एनी जो है वो कितना हो गया 4, 1 2 3 4। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालिएगा एनी बटा एनएस, यानी 4/36 काटिए कितना आएगा 1/9। अब बोल रहे द नंबर अपीयर्ड आर इक्वल, इक्वल मतलब एक होना चाहिए एक जैसा, तो एक जैसा मतलब दोनों में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 दोनों में, है ना। तो ये जो तुम देख रहे हो तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे टोटल 6 है, यानी 6/36 करके कितना आ गया 1/6। तो ये बेसिकली इसका सिंपल क्वेश्चन था, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स क्वेश्चंस थे और बेसिक क्वेश्चन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखेंगे कल परसों, जो नेक्स्ट वीडियो आपके यूट्यूब पे आएगा, उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके थ्योरम्स की, पहला थ्योरम एडिशन थ्योरम, दूसरा थ्योरम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, दो थ्योरम के बारे में अगले वीडियोस में बात करेंगे। देखो ये जो आप देख रहे हो यूट्यूब पे अभी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है क्लासेस तो हमारी चल नहीं सकती है, तो हम लोग इसको चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियोज बना करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग अभी एक काम है कि सबसे पहले तो जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, और साथ साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, व्हाट्सएप जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके कॉलेज के, कोचिंग के, स्कूल के, दोस्तों के, सब पे शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से जब शेयर होगा ज्यादा से व्यू आएगा तो अपने आप को ही बनाने का मन करेगा। यार एक लेक्चर क्लासरूम में लेना जितना आसान होता है, वीडियो बनाना उतना ही टफ होता है, काफी टाइम लगता है वीडियो बनाने में, काफी टाइम देना पड़ता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक भी कर दो, लाइक का बटन है नीचे, उससे कुछ पैसा तो लगता नहीं है आपको लाइक शेयर करने में, और सब्सक्राइब करते चलो चैनल को ताकि आपको सारा वीडियोस मिलता रहे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।